कोई भी दुनिया का कार्य नहीं है जो भक्त हनुमान की शरण में आता हो और उसका कार्य सफल ना होता हो। ऐसा कोई भी एक भक्त, कोई भी एक भक्त मतलब कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि साहब मैंने हनुमान जी की। देखो, रात्रि के टाइम पर चमेली की तेल का दीपक जला करके 9:30 बजे के बाद एक ऊन के आसन पर बैठ करके अगर सुंदरकांड का पाठ अपने जीवन में करता है तो जहाँ राम है वहाँ हनुमान तो निश्चित ही है जी। हमने तो राम का नाम लिया, हनुमान आ गए, जीवन में सारी खुशियाँ बिन मांगे पा गए। हमारा नाम होता है सब करते हैं हनुमान, हमारा नाम होता है। जय सियाराम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहु करना। श्री हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। आज हनुमान जी की महिमा जानने के क्रम में एक और बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं। ये श्री राम मंदिर है, आनंद विहार दिल्ली का। हनुमान जी यहाँ साक्षात विराजमान है और हनुमान जी के महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हैं। स्वागत है आपका। जय श्री राम जी। क्या शुभ नाम हुआ पंडित जी आपका? जी मेरा नाम सतीश चंद्र शास्त्री है। अच्छा, मैं उत्तराखंड के टेरी गढ़वाल बूढ़ा किरार क्षेत्र का रहने वाला हूँ। जी जी, तो इस मंदिर की तो काफ़ी महिमा हमने सुना है कि हम चाहते हैं कि भक्तों को। इस मंदिर में मैं तकरीबन 17-18 साल से कार्यरत हूँ। भगवान सेवा करवा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं और जब तक संभव हो सकेगा वो चाहेगा तब तक सेवा करते रहेंगे। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि ये मंदिर संभवतः 50-60 साल पुराना है, जैसे कि जानकारी मिली। 45 साल के आसपास। 45 साल पुराना। मुख्यतः प्रभु राम यहाँ पे विराजमान है। प्रधान देवता हमारे राम जी ही है, प्रभु राम है, और जहाँ राम है वहाँ हनुमान तो निश्चित ही है। जी पंडित जी, हनुमान जी तो कलयुग के साक्षात देवता हैं, इनकी पूजा आराधना भक्त करें तो क्या जीवन में सब संभव हो जाता है? असंभव को जो संभव करे वही हनुमान जी हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमरे हनुमत बल वीरा। हनुमान जी हमारे अष्ट चिरंजीवियों में से एक है और ऐसा कोई भी दुनिया का कार्य नहीं है जो भक्त हनुमान की शरण में आता हो और उसका कार्य सफल ना होता हो। ऐसा कोई भी एक भक्त, कोई भी एक भक्त मतलब कोई एक चैलेंज नहीं कर सकता कि साहब मैंने हनुमान जी की। देखो, मतलब द्वेष के कारण वे किसी भी चीज़ को नीचा दिखाने के लिए अगर कोई करेगा तो उसके अंदर भक्ति तो है ही नहीं। वो तो केवल एक मतलब जो है ना, एक ढोंग कर रहा है। केवल किसी भी चीज़ को बदनाम करने के लिए कोई किसी विषय पे कुतर्क कर रहा है। जो भक्त होगा, जो भगवान राम का, भगवान हनुमान का जो भक्त होगा, वो सच्चे मन से अगर उनकी सेवा करेगा तो असंभव कुछ है ही नहीं।
क्योंकि मैं क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। अच्छा, जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आते जाते हैं, तो मैं उसकी कृपा अनुभव करता हूँ कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ और जब से मैं हनुमान जी की सेवा में लगा हूँ, क्योंकि हनुमान जी के हनुमान भावुक हैं, हनुमान कवच हैं, हनुमान चालीसाएँ हैं, संकट मोचन है, बजरंग बाण है, सुंदर कांड का इतना सुंदर, इतनी सुंदर पुस्तक हनुमान जी की महिमा तुलसीदास जी ने गाई है। जो व्यक्ति इन किसी भी चीज़ को अपने जीवन में धारण करता है और नियमित रूप से, ऐसा नहीं जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ये भी हमारी आवश्यकता है कि अगर हम उस चीज़ को कंटिन्यू और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो, और नियमित रूप से अगर कोई 41 दिन तक किसी भी एक कार्य को लेकर के हनुमान जी के पास अर्जी लगा लो, एक लाल कपड़े में नारियल बांध लो, अपनी हाइट का लाल धागा बांध करके हनुमान जी के चरणों में रख दो और 41 दिन का एक आप अनुष्ठान या व्रत कह लो कि भाई मैंने 41 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में जा करके श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ ये कार्य हनुमान जी से करवाना है, जो कि मेरे से संभव हो ही नहीं रहा। वो 41 दिन तक अगर हनुमान जी के शरण में आएगा, नियमित रूप से हनुमान चालीसा करे या बजरंग बाण करे या सुंदरकांड का पाठ करे या हनुमान भावुक का पाठ करे या हनुमान कवच का पाठ करे, तो निश्चित तौर पर उन 40 दिनों के अंदर अंदर उसका कार्य वो 101% सिद्ध होगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, ये आपका निज अनुभव है? मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मेरा कार्य 20 दिन के अंदर अंदर जो है हनुमान जी ने नैया पार लगा ली। बिल्कुल, यानी कोई 40 दिन का अनुष्ठान ले, अपने माप का एक लाल रंग का धागा लेकर के उसमें नारियल पे लपेट दे, काले लाल धागे में, और हनुमान जी को अर्पण कर दे। अपनी एक बात, ऐसे नहीं कि सारी बात कि साहब अब बच्चा पास नहीं हो रहा है तो उसे भी तुम बात, कोई एक बात जो कि आपसे जो कि आपसे ऐसा लग रहा है कि भैया असंभव है, इसे हनुमान जी ही पार कर सकते हैं, वो जो ऐसा लग रहा है आपको, जो जटिल कार्य लग रहा है, सबसे जटिल जो लग रहा है, उस बात को हनुमान जी के कान में कह दो उस नारियल के साथ, और 41 दिन का अनुष्ठान आप शुरू कर लो, कार्य होके रहेगा। बिल्कुल होके रहेगा, और 40 दिन के अंदर अंदर होके रहेगा, ऐसा भी नहीं कि 42 दिन होगा, 41 दिन के अंदर अंदर वो काम आपको निश्चित तौर पे असंभव संभव हो जाएगा। यानी इन 41 दिनों में हनुमान जी का कोई भी पाठ करें, चाहे हनुमान चालीसा कर लें, सुंदरकांड कर लें, बाहुक कर लें, अष्टक पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, लेकिन श्रद्धा के साथ। श्रद्धा के साथ जी, ऐसा नहीं कि करेगा नहीं करेगा, मन नहीं डोलना चाहिए। जिस दिन हमारी प्रवृत्ति, हमारा मन बदल जाएगा, वो कार्य आपका वहीं पर, और शुद्ध सात्विक हो गया। जिसके लिए कोई 40 दिनों तक कुछ नियम भी नियम क्या है कि आप मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो, मीठा भोजन करो, पूरे दिन उपवास रहो। अब उपवास का मतलब आजकल ये नहीं है कि आप हल्दीराम में जा करके हल्दीराम की थाली खा लो, ऐसा नहीं, शुद्ध सात्विकता के साथ, संयम नियम के साथ, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ठीक है, घर में भी हो सके तो भूमि पर शयन करो, और ये कलिकाल है, इस कलिकाल में संभव नहीं है, ठीक है, वो मंदिर में आकर के आए, संयम नियम के साथ रहे, 41 दिन तक प्याज लहसुन वर्जित रखे, शुद्ध सात्विक भोजन करें, और हनुमान जी को अपनी बात पाठ करने से पहले भी सुना के जाए और पाठ करने के बाद भी सुना के जाए कि भैया मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी तू जानो तेरा काम, मतलब आप संकट मोचन है, आप संकट से उबार लें, ये हनुमान जी से प्रार्थना करें। बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, चूँकि हनुमान जी तो संकट मोचन है, व्यक्ति जब सुनता है कि संकट मोचन है, संकटों में घिरता है, तो इनकी याद आती है, आपके भीतर ये कैसे लगन लग गई कि हनुमान जी की शरण में जाना है और वही संकट से उबारेंगे? अब देखो मुझे तो, मैं तो स्वयं ब्राह्मण हूँ और उनका दिया ही खाता हूँ, और ब्राह्मणों का रक्षक आज की डेट पर है ही हनुमान जी, नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि ब्राह्मणों की जो दशाएँ दिख रही हैं अपने भी, और मतलब जो चल भी रहा है उस स्थिति से भी, तो वो हनुमान जी ही हमारे जो है ना संकटों को पार करने वाले, हनुमान जी ही
उन संकटों से हमें साधु संत के तुम रखवाले, साधु संत के तुम रखवाले, और हनुमान जी ही हमारे संकट संकटों के हरने वाले भी हैं, और वो ही हमें जो है ना धैर्य धारण करवाते। मेरी हनुमान जी के प्रति जो आस्था है वो मेरे गुरु जी कह लीजिए या मेरे पिताश्री कह लीजिए, क्योंकि मेरे पिता अच्छे मतलब संस्कृत के अच्छे मर्मज्ञ, ये प्रेरणा अपने पिताश्री से मिली। उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी की शरण में जाओ, और उन्होंने ही मुझे संस्कृत विद्यालय में उत्तरकाशी, अच्छा संस्कृत विद्यालय में, उनका बड़ा भारी मन था कि मेरा एक बेटा जो है ना कर्मकांड के क्षेत्र में जाए, और वो कर्मकांड के क्षेत्र में अपनी गुजर पसर जैसा भी हो वो करे, उनका बड़ा मन था। तो उनसे ही मुझे ये प्रेरणा मिली, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा घर में हनुमान सुंदरकांड का पाठ उनका दैनिक था, अच्छा कि नित्य प्रति उन्होंने सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना था। वो पीड़ावली में थे, ठेकेदार थे, लेकिन कर्णप्रयाग रहे वो 22-23 साल, पर उनका सुंदरकांड का पाठ जब चले गए वो तभी छूटा, नहीं तो नियमित रूप से जब तक रहे मौजूद इस धरा पे सुंदरकांड के प्रति उनकी अटूट आस्था रही, राम के प्रति राम और हनुमान तो उनके प्राण थे। जी जी। अच्छा पंडित जी, एक तो आपने ये महा उपाय बताया कि 40 दिनों तक कोई अनुष्ठान करे, इस कलयुग में बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों के सामने, हम चाहते हैं कुछ और आपके स्मरण में आ रहा हो, कुछ अनुष्ठान, कुछ उपाय जो आप भक्तों को साझा करना चाहें। देखिए, हमारे कर्म के आधार पर ही हमें इस धरा धाम पे आने का अवसर प्राप्त होता है, उसके अनुसार जो भी हमारे हिंदू सनातनी हैं वो संयमता के साथ अगर रात्रि के टाइम पर चमेली के तेल का दीपक जला करके 9:30 बजे के बाद एक ऊन के आसन पर बैठ करके अगर सुंदरकांड का पाठ अपने जीवन में करता है और अनुष्ठानबद्ध करता है, वो चाहे 11 दिन करे, चाहे 21 दिन करे, चाहे 41 दिन करे, चाहे 66 दिन करे, ऐसा कर्म बनाए, तो निश्चित तौर पे उसके जीवन में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई संकट, वो संकट तो सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन वो संकट किस तरीके के आएगा उसे पता भी नहीं चलेगा कि क्या आया था और क्या चला गया। तब 11-21 दिन का कोई अनुष्ठान संकल्प ले, बिल्कुल, और संकल्प लेकर के उसके बाद उस संकल्प लेकर के हनुमान जी की प्रतिमा अपने घर में अगर होती है, अक्सर हिंदुओं के घर में अगर नहीं है तो हनुमान जी की एक लाल सी सुंदर सी एक प्रतिमा लाएँ, उनको हनुमान जी एक चौकी में लाल कपड़े के ऊपर बिठा करके उनका रोज तिलक करें, और रात को रात के समय 9:30 बजे के बाद शुद्ध सात्विकता के साथ इस अनुष्ठान को कोई करता है तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद, मतलब हनुमान जी का है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को डरना, उसे किसी प्रकार का कोई भय हो ही नहीं सकता। तो रात्रि पूजन करें हनुमान जी का 9:30 बजे के बाद। अच्छा पंडित जी, इस कड़ी में एक आखिरी जिज्ञासा आज आपके सामने रखते हैं। बहुत सारे लोगों के कार्य हैं वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, कुछ लोगों को विलंब लग जाता है, कुछ लोगों का धैर्य छूटने लगता है, ऐसे लोगों को क्या बताएंगे? ऐसे लोगों को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य व्यक्ति का अगर ख़राब हो गया तो फिर उसके जीवन में कुछ भी हो सकता है, उसके जीवन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए धैर्य के साथ सहजता के साथ भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति में धन की कोई आवश्यकता ही नहीं, मन की आवश्यकता है। मन अगर हमारा स्थिर है और विश्वास है अपने माता पिता पे और भगवान पे विश्वास है, तो निश्चित तौर पर हमारे सारे कार्य अपने आप ही संपन्न होते जाएंगे। यानी धैर्यपूर्वक हनुमान जी की आराधना भक्त करते रहें जी, तो निश्चित तौर पर बाकी सभी कार्यों को तो हनुमान जी संपादित कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम।